एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पोएम ग्रीन इज गुड का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन इज गुड। टाइनी फाउंड द रैबिट व्हाइट। ही आस्क्ड हिम व्हाट मेक्स यू सो क्विक एंड ब्राइट। टाइनी नाम का एक लड़का था, उसे एक रैबिट मिला। उसने रैबिट से पूछा कि तुम इतने ज्यादा चमकदार और सफेद और इतने फुर्तीले किस प्रकार से बने रहते हो, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें फुर्तीला बनाती है। तो रैबिट जवाब देता है, कैरेट्स, दे आर गुड फॉर मी, दे विल डू गुड टू यू, एवरी डे आई ईट कैरेट्स टू। तो वो कहता है, मैं गाजर खाता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी होती है, मेरी हेल्थ के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है होती है, और तुम्हारे लिए भी वो बहुत ही यूजफुल रहेगी यदि तुम रोज दो कैरेट खाते हो तो। Haven't you asked Tom and Jerry shop? What do they eat? Do you know? फिर वो कहता है, क्या तुमने टॉम एंड जेरी शो देखा है? तुम्हें पता है वो क्या खाते हैं? क्या तुम जानते हो? Not junk, but milk, butter and cheese. They are energetic. They have cabbage, leaves and peas. वो junk food नहीं खाते हैं, वो पीते हैं milk, खाते हैं butter and cheese. इसी से वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान बने रहते हैं, और वो कैबेज इन्हें पत्ता गोभी की पत्तियां और मटर भी खाते हैं। रैबिट ये कहता है कि तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए टेस्टी फूड की अपेक्षा। जंक फूड किसे कहते हैं? पिज्जा, बर्गर, चिप्स, ये सब जंक फूड होते हैं। तो आगे वो कहता है, नॉट जंक बट मिल्क बटर एंड चीज, दे आर एनर्जेटिक, दे हैव कैबेज लीव्स एंड पीस। होपे द सेलर has spinach to his fill, has immense energy to climb up mountains and the hills. वो कहता है, पोपे नाम का जो सेलर था, वो भी अपने शिप में, अपने बॉक्स में स्पेनिश भर के रखता था। स्पेनिश मीन्स पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और इसे खा करके, इसे अलग अलग प्रकार से यूज करके वो बना करके, पका करके खाता था, जिससे क्या होता था, उसे एनर्जी बनी रहती थी और वो ऊंचे माउंटेन्स पर और हिल्स पर आसानी से चढ़ सकता था। नेक्स्ट चेंजा, यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसी फ्रूट एंड ऑल दैट मॉम लेज ऑन द टेबल। वो कहता है, तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड से मतलब क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, मेथी है, कैबेज है, इन्हें खाना चाहिए, और फ्रेश जूसी फ्रूट्स भी खाना चाहिए, फ्रूट्स के जूस भी पीना चाहिए, और वो सब चीजें जो मम्मी टेबल पर सर्व कर देती है वो सब चीजें खाना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी फूड रादर देन टेस्टी फूड। तो रैबिट क्या जवाब देते हैं? रैबिट कहता है, टाइनी कहता है, नेक्स्ट स्टेंज में, बट रैबिट डियर, जंक इज टेस्टी टू ईट, टाइनी देन डोंट क्राई व्हेन यू फाइंड इन द हीट। टाइनी कहता है कि रैबिट डियर, जंक तो बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो फिर रैबिट अगेन कहता है, फिर से कहता है, टाइनी फिर तुम निराश मत होना, तुम दुखी मत होना, या तुम रोना मत जब तुम धूप में थक कर बेहोश हो जाओ, फैंट यानी अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना। नेक्स्ट स्टेज, जंक फूड इज नो फूड यू नो। वो कहता है, जंक फूड कोई फूड नहीं होता है, उससे हमें कोई हेल्दी चीजें नहीं मिलती है। एंजॉय ऑल दैट द हेल्पफुल फार्मर सोस। वो कहता है, उन सब चीजों को खाना चाहिए जो कि किसान अपने खेतों में बोता है। वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, नट्स एंड स्पाइसेस एंड ब्रेवरीज, ये सब चीजें अपने खेतों में उगाता है हमारे लिए। सीरियल्स यानी बहुत सारी अनाज होते हैं जैसे व्हीट, ग्रेन, राइस, मेज। फ्रूट्स में अगेन बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बनाना, एप्पल, पाइन एप्पल, ग्रेप्स, स्पाइसेस, टर्मरिक, चिली, कोरिएंडर, एंड नट्स में आलमंड, वॉलनट, ग्राउंड नट्स, ये सारी। तो ये सारी चीजें हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं हेल्थ वाइज। नेक्स्ट स्टेंजा, टाइनी डियर, आई होप यू ग्रो टॉल। रैबिट सर, व्हाट आई हैव लर्नड आई विल टेल वन एंड ऑल। इसमें रैबिट कहता है कि टाइनी डियर,
मैं आशा करता हूँ कि तुम इन सब चीजों को खाने में उपयोग में लोगे और तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी, तुम टॉल हो जाओगे। तो फिर टाइनी कहता है रैबिट सर, वो रैबिट सर क्यों कह रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें सीखी है रैबिट से। तो कहता है रैबिट सर, मैंने तुमसे जो भी सीखा है वो मैं सभी को बताऊंगा। चलिए अब देखते हैं इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन वन, द रैबिट इज क्विक एंड ब्राइट बिकॉज इट, इसमें ऑप्शन है इज स्मॉल, इज वाइट, इट हैज ब्यूटीफुल आईज, ईट्स कैरट्स। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेंजा में ही देखा था कि रैबिट जो है इतना फुर्तीला और इतना चमकीला सफेद क्यों है, क्योंकि वो दो कैरेट्स रोज खाता है। इसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ईट्स कैरेट्स। नेक्स्ट है, स्पिनच इज अ ग्रीन लिक्विड लीफी वेजिटेबल, जूसी वेजिटेबल और फ्रूट। इसमें ऑप्शन बी लीफी वेजिटेबल, जैसा कि हम सब जानते हैं पालक एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। थर्ड, इन द पोएम द वर्ड फ्रेंड मीन्स not clear, cannot be seen, to become unconscious है, and D है not enthusiastic, not clear यानी स्पष्ट नहीं है, cannot be seen यानी दिखता नहीं है, देख नहीं सकते हैं, और to become unconscious यानी बेहोश हो जाना। तो answer C will be right answer, faint means to become unconscious. Next है question 4, the opposite of bitter is, bitter means कड़वा। इसमें ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग वीक स्वीट एंड सॉर। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, वीक यानी कमजोर, स्वीट यानी मीठा एंड सॉर यानी खट्टा। तो सही ऑप्शन होगा बिटर का अपोजिट स्वीट। नेक्स्ट है फिफ्थ, द वर्ड दैट मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज अट्रैक्टिव इमेंस एनर्जेटिक एंड लेबर्स। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट रीजन डज द रैबिट गिव फॉर इट्स एजिलिटी। एजिलिटी मीन्स चपलता, फुर्तीला। द आंसर, द रैबिट गिव्स द रीजन दैट इट ईट्स टू कैरेट्स इन अ डे फॉर इट्स एजिलिटी। रैबिट अपनी फुर्तीलापन को चपलता के लिए, एजिलिटी मीन्स द पावर ऑफ मूविंग क्विकली, और सिनोनिम होगा इसको क्विकनेस। तो कहता है कि मैं रोज दो गाजर खाता हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा फुर्तीला बना रहता हूँ। तो द रैबिट गिव्स द रीजन दैट इट ईट्स टू कैरेट्स इन अ डे फॉर इट्स एजिलिटी। क्वेश्चन टू, व्हाई डज टाइनी एंजॉय जंक फूड। टाइनी को जंक फूड क्यों अच्छा लगता है। आंसर, टाइनी एंजॉयज जंक फूड बिकॉज इट इज टेस्टी, क्योंकि उसे खाने में बहुत टेस्टी लगता है इसलिए वो एंजॉय करता है जंक फूड। क्वेश्चन थ्री, Why is the farmer being described as helpful? किसानों को हमारा मददगार क्यों कहा गया है, क्यों कहा जाता है। Answer, the farmer being described as helpful because he sows food, क्योंकि किसान खेतों में फसल बोता है, अनाज उगाता है जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, helpful कहा गया है। Fourth question, Which line in the poem tells us that Tiny has understood the importance of healthy food? ऐसी कौन सी लाइन है पोएम में जिससे पता चलता है कि हेल्दी फूड इम्पोर्टेंट होते हैं। आंसर, द लाइन रैबिट सर, वॉट आई हैव लर्नड आई विल टेल वन एंड ऑल टेल्स अस दैट द टाइनी हैज अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी फूड। पोएम की वो लाइन जिसमें वो कहता है रैबिट सर, व्हाट आई हैव लर्नड आई विल टेल वन एंड ऑल, इस लाइन से ये पता चलता है कि टाइनी समझ गया है हेल्दी फूड की इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स। व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स। अ कंपाउंड वर्ड इज अ वर्ड दैट इज मेड बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट वर्ड्स। दो अलग अलग डिफरेंट वर्ड से मिलकर जो एक नया वर्ड बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड। A compound word can be written as one word, as separate words are with a hyphen. Example, well bridge, farmland, fountain pen. अब next है match the column. Sun, broom, tooth and wood. यहाँ broom से मतलब है झाड़ू। तो sun इधर दे रखे egg, pecker, stick and light. अब इनको मिला करके compound word बनाएंगे। Sun, light, broom, stick, tooth, egg, wood, pecker. Wood pecker एक bird का नाम है। Hopefully this video was helpful to you.
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।